नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। शुक्रवार की सुबह उस समय नगर में सनसनी फैल गई जब शहर के किनारे स्थित खेतों में धान की मजदूरी करने जा रहे मजदूरों की निगाह नहर में पड़े एक नवजात शिशु का शव दिखाई दिया। शिशु के शव मिलने की खबर नगर में आग की तरह फैल गई और सैकड़ों लोग नहर में पड़े नवजात शिशु के शव को देखने के लिए पहुंचे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भितरवा थाना प्रभारी के पी यादव को सूचना दी। तत्पश्चात मौके पर सहायक उप निरीक्षक महेश मौर्य और अन्य पुलिस बल द्वारा बच्चे के शव के संबंध में पूछताछ की तो जानकारी लगी कि सामुदायिक अस्पताल के ग्राम वासोड़ी के रहने वाले पूनम जाटव पत्नी भूपेन जाटव के रात्रि लगभग 1:15 पर मृत बच्चे का जन्म हुआ था, जिसे अस्पताल प्रबंधन द्वारा परिजनों के सुपुत्र किया गया और सुबह उसका क्रियाक्रम करने की हिदायत दी थी। लेकिन भूपेन जाटव के बड़े भाई उत्तर सिंह उक्त बच्चे को रात्रि के लगभग 4 बजे अस्पताल प्रबंधन से अपनी सुपुर्दगी में लेकर क्रियाक्रम करने गांव ले जा रहे थे। ऐसा कहकर ले गया और उसने डबरा भितरवार मुख्य सड़क मार्ग स्थित कृषि कार्यालय के नजदीक निकली D3 नहर में उक्त बच्चे का शव फेंक दिया। भितरवार से संवाददाता कमल साहू की रिपोर्ट।